नमस्कार किसान भाइयों, वेलकम टू गीत संगीत पोल्ट्री बिहार चैनल में आपका स्वागत है। अगर जो आप भी करना चाहते हैं फ्री रेंज में फार्मिंग, यानी बाजार का फीड मुर्गियों को कम खिलाना चाहते हैं और हरी पत्तियों और हरे चारे खिलाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर जरूर कर दें। जो दोस्त भाई अभी नए जुड़े हैं हमसे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुर्गी से संबंधित तथा बकरी पालन और फार्मिंग से संबंधित सभी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलते हैं कि कौन कौन से पौधे हम अपने फार्म के पास लगाएँ या कौन कौन से हरे चारा हम दे ताकि मुर्गियों को फीड में हमको बाज़ार का फीड कम देना पड़े और हमें ज़्यादा बचत हो। तो सबसे पहली बात आती है कि आपके पास घर के पास भी होगा नीम का पेड़, तो नीम का पत्तियों आप मुर्गियों को खिला सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा मुर्गियों के लिए। दूसरी बात आती है बैम्बो लीव्स, यानी बांस के पत्ते। बांस के पत्ते भी आपको आसानी से मिल जाएंगे और अपने फार्म के पास भी आप लगा सकते हैं उसको और मुर्गियों को दे सकते हैं। और तीसरी है गवावा लिप्स, यानी अमरूद की पत्तियां। तो अमरूद के पत्तियां को खिलाने से मुर्गी में फ़ायदे भी आती है और हरी चारा भी उसको प्रोवाइड होती है, तो उसको भी आप अच्छे ढंग से खिलाएँ और बिल्कुल अपने बाज़ार को फीड को कम करें। गवावा लीप्स हो गए, अमरूद की पत्तियां हो गई। और आती है आप अगर जो खेत में लगाना चाहते हैं घास, तो आप माखन ग्रास लगाएं, ओजोला लगाएं, जो कि आपको पानी में लग जाएगा। माखन ग्रास है, जो कि आप माखन ग्रास यूज़ करेंगे तो वो मुर्गियों को ज़्यादा फ़ायदा होता है, हम भी यूज़ करते हैं। सहजन का पत्ता, इसको खिलाइए मुर्गियों को। और ये सहजन का पेड़ है, यहाँ पर पौधा है, इसको आप देख रहे हैं हम लगवाए हुए हैं सहजन का पौधा। और नीम का भी लगवाए हुए हैं नदी के उस पार, आप देख रहे होंगे, नज़र आ रहा होगा शायद आपको, उधर नीम का भी है। और ये है सहजन, इसको भी हम मुर्गियों को देते हैं और अच्छा ग्रोथ होता है, और ग्रोथ के साथ साथ मुर्गियां बहुत चॉइस से खाती है इसको। तो आप ले जाकर अपने फार्म में इसको भी दे सकते हैं, सहजन का पौधा भी लगवा सकते हैं, पेड़ भी लगवा सकते हैं, क्या पता पौधा में आता है कि पेड़ में आता है, तो इसको आप लगा सकते हैं बिल्कुल। और चलिए हम नीम के बारे में आपको बताते हैं, उसको देकर आपको उन दिखाते हैं कि नीम का पेड़ कहाँ पे है और उसको पत्ती कैसे देते हैं। उसका बांस का लीप्स, बैम्बो लीप्स इसको बोलते हैं, बांस का पत्ता, ये है बांस के पत्ते की पूरा। तो आप इसको भी अपने फार्म के पास लगवाएं और अपने मुर्गियों को बांस के पत्ते खिलाएं, इसको खिलाने से भी बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा आपको मुर्गियों में। तो चलिए आगे आपको हम दिखाते हैं नीम के पौधे के बारे में और नीम के पत्तियों को। ये जो पौधा आप देख रहे हैं किसान भाइयों, ये है बनाना का, जो केले का होता है, केले के पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको मुर्गियों को दीजिए, अच्छे फ़ायदे होंगे। केले के पत्ते भी बड़े चाव से खाती है मुर्गियाँ, और ये आप अपने फार्म के पास भी लगा सकते हैं। आप बगल में देख रहे हैं एक फार्म भी है, उन्होंने भी अपना केला का लगा रखा है और पपीता भी लगा रखे हैं। ये पपीता का है, इसमें अच्छे जो पपीते के पत्ते होते हैं उसको तोड़कर मुर्गियों को देते हैं, तो उससे भी अच्छा खासा लाभ होता है। तो हम लोग अब चलते हैं, पपीता का हो गया, केले का हो गया, और हम लोग बढ़ते हैं नीम की ओर। है अपनी नीम का पेड़, इसको आपको हम पहले भी बताए हैं, नीम के पत्ती को खिलाने से मुर्गियों में कीड़े की बीमारी नहीं आती है, तो आप इसको भी मुर्गियों में दे सकते हैं और बिल्कुल अच्छी प्रकार से आप मुर्गियां खाएगी नीम के पत्ते, और खाते भी आपको हम अगले वीडियो में दिखाए हैं, वो भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो नीम के पौधे को आप लगाएँ और नीम के पत्तियों को दें मुर्गियों को, वो खाएगी, उसके में कीड़े के बीमारी भी नहीं होगा, एंटीबायोटिक इसमें गुण भी पाए जाते हैं, और बिल्कुल आप अच्छे तरह से फार्मिंग करें ताकि आपको ज़्यादा बचत हो। भाइयों, फ्री रेंज में फार्मिंग करें, फीड का बचत करें और मुर्गियों को हरे चारा प्रोवाइड करें, उसको आप काट कर भी दे सकते हैं हरे चारे को, और छोटे छोटे टुकड़े करके भी दे सकते हैं। अब बारी आती है पपाया का, यानी पपीता का जो पत्ते हैं उसको भी दीजिए, वो भी लाभकारी है मुर्गियों के लिए। पपीता का पत्ता आप दीजिए, यूज़ कीजिए। के पौधे भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, मुर्गियों को खिला सकते हैं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है और इसको मुर्गियां बड़े चाव से खाती भी है। तो फ्री रेंज में फार्मिंग करें, अपने फीड का बचत करें और बिल्कुल ही अच्छे ढंग से आप फार्म के पास लगा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी समस्या की बात नहीं है। आप अपने फार्म के पास
पहला फिर से हम मैं जोड़ के दिखा जाता हूँ, बता देता हूँ। पपीता का पेड़ लगा दें, नीम का लगा दें, और फिर अमरूद लगा दें, और बांस की पत्तियों का, ये सब बहुत ज़रूरी है। और केले के बागान भी चाहिए, या केले के पत्ते आपको मिले तो उसको भी आप दे सकते हैं। तो आप मुर्गियों को जितना हो सके हरा चारा खिलाएं, ताकि आपका फीड का कॉस्टिंग बहुत कम पड़े। जो दोस्त भाई लोग अभी देख रहे हैं मेरे चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई लोग जी, ताकि आगे भी आपको मुर्गी से संबंधित सभी जानकारी मिलती रहे।